What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. गोभी मंचूरियन ड्राई बना रहा हूँ आज. अब ये जो रेसिपी एक देसी चाइनीज़ इंडो चाइनीज़ स्टाइल रेसिपी है और रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा ऑर्डर की जाती है और बहुत ही डिलिशियस भी लगती है. बहुत सिंपल रेसिपी है, आसानी से बन जाती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी आसान सिंपल रेसिपीज़ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो रेसिपी जो है वो परफेक्ट बन जाती है. अब ये वाली जो रेसिपी है इसमें स्पेसिफिकली जो गोभी फ्राई की जाती है वो क्रंची होनी चाहिए, एकदम क्रिस्प बननी चाहिए. और अक्सर घर पर जब भी बनाओ सॉगी हो जाती है, कोटिंग निकल जाती है जब भी सॉस में डाले तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स हैं वो आपको दूंगा. और इसमें जो गोभी हम पहले ही फ्राई करेंगे बिना सॉस के भी, वो गोभी का जो पकौड़ा बनता है वही खाने में बहुत मज़ा आता है. और फिर उसके बाद एक देसी मंचूरियन स्टाइल सॉस बनाकर क्रिस्पी गोभी उसके अंदर जाएगी, टॉस होगी और हमारा देसी इंडो चाइनीज स्टाइल गोभी मंचूरियन ड्राई रेडी हो जाएगा. सिंपल रेसिपी, एकदम क्रिस्पी तरीके से गोभी फ्राई कैसे करनी है वो देख लेते हैं. गोभी मंचूरियन के लिए गोभी के फ्लोरेट्स कट करने के लिए एक बड़े साइज की गोभी ले ली है. इस गोभी का जो नीचे स्टेम का जो डंठल होती है वो आपको अलग कर देनी है. तो इस तरीके से काट कर डंठल को निकाल लीजिए या गोभी को दो हिस्सों में काट लीजिए. अब इसके बाद आपको छोटे छोटे फ्लोरेट्स निकालने हैं. फ्लोरेट्स मतलब आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कट कर रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस आपको निकालने हैं. ये बाइट साइज पीसेस इसलिए कर रहे हैं कि जब भी फ्राई करें तो एक एक बाइट में आप ये गोभी मंचूरियन आसानी से खा पाएं. तो इस तरीके से सारे गोभी को काट लीजिए और ऐसे फ्लोरेट्स आपको मिल जाएंगे. एक बार आपने सारी गोभी को काट लिया है तो इसे एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए. अब काफ़ी सारा आपको पानी डालना है, पानी के साथ ढेर सारा इसमें नमक डाल दीजिए. अब यहाँ पर मैं करके आ रहा हूँ, गोभी को अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ. गोभी में मिट्टी होती है, कई बारी एक आधा कीड़ा भी होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से साफ़ करनी है. तो नमक की वजह से आसानी से गोभी क्लीन हो जाती है. एक बार नमक वाले पानी में अच्छे से आपने रिंस कर लिया है तो नमक वाले पानी में ही 2-3 मिनट के लिए गोभी को आप रहने दीजिए. एक बार 2-3 मिनट हो जाए, सारी डर्ट जो है वो निकल जाए, तो ये पानी को निकाल दीजिए और फिर से एक दो बार साफ़ पानी से गोभी को अच्छे से रिंस कर लीजिए. गोभी एकदम आपकी साफ़ हो जानी चाहिए. अब यूजुअली गोभी मंचूरियन बनाते समय काफ़ी सारी रेसिपीज़ होती है, पहले मैं भी करता था, कि गोभी को थोड़ा सा उबाल लेता था या ब्लांच कर लेता था. वो भी गलत तरीका नहीं है, बट क्या होता है गोभी फ्राई करते टाइम ज़्यादा सॉगी हो जाती है और क्रंच नहीं आता है गोभी में. तो ये जो नमक वाला तरीका है साफ़ करने का, ये बहुत आसान तरीका होता है गोभी को ईजिली साफ़ करने के लिए और वो क्रंच भी आपको गोभी मंचूरियन फ्राई करते वक्त मिल जाएगा. तो इस तरीके से अच्छे से गोभी को साफ़ कर लीजिए. एक बार आपने गोभी को साफ़ कर लिया है तो इसको फ्राई करने के लिए एक बैटर तैयार करना है. बैटर कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं. एक बोल के अंदर इक्वल क्वांटिटी आपको मैदे की लेनी है और इक्वल क्वांटिटी कॉर्नफ्लावर की लेनी है. ये रेसिपी में लगभग मैं आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लावर यूज़ करता हूँ. साथ ही मैं टेस्ट के हिसाब से नमक, एक लार्ज चुटकी काली मिर्च पाउडर का और 1-2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए. अब सारी चीज़ों को आपको पानी डालकर अच्छे से मिलाना है, देखना है कि इसमें गुठलियाँ नहीं बने, लम्ब्स नहीं बने. और एक सेमी थिन स्लरी आपको, एक सेमी थिन बैटर इसका तैयार करना है. सेमी थिन यानी कि एकदम पानी ऐसे पतला नहीं होना चाहिए, हल्की सी थिकनेस इसमें होनी चाहिए कि गोभी को आसानी से कोट कर दे, लेकिन गोभी के ऊपर बहुत मोटी सी कोटिंग नहीं बनाए. तो आप देख सकते हो किस तरीके की कंसिस्टेंसी मिल गई है बैटर की. अब आपको क्या करना है, गोभी को इसमें ऐड कर देना है. गोभी को ऐड कर दीजिए. गोभी ऐड करने के बाद अच्छे से गोभी को कोट कीजिए. जब भी आप गोभी को कोट करेंगे आप देख सकते हो गोभी के ऊपर एकदम पतली सी लेयर जो है कोटिंग की बन रही है. ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपके बैटर की होनी चाहिए. अब गोभी मंचूरियन फ्राई करने के लिए तेल आपको गर्म कर लेना अच्छे से 170 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए. मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम फ्राई करेंगे यहाँ पर गोभी को. एक एक करके कोट की हुई गोभी को तेल के अंदर ऐड करना है. ध्यान देना है कि आपको बहुत सारी गोभी एक साथ नहीं फ्राई करनी है, ओवर क्राउड नहीं करना है आपकी कढ़ाई को. इससे क्या होगा, हीट जो है वो मेंटेन रहेगी और आपकी गोभी बाहर से एकदम क्रंची होगी. गोभी को आज हम डबल फ्राई करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्रिस्प करने के लिए. तो स्टार्टिंग में मीडियम हाई फ्लेम पर लगभग 4-5 मिनट के लिए आपको फ्राई करना है गोभी को, जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर बाहर से नहीं आ जाता है. एक बार आपकी गोभी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको निकाल कर तेल में से एक छन्नी में रख दीजिए और एक्सेस ऑयल को निकलने दीजिए. इसी तरीके से बाकी की गोभी को भी आप फर्स्ट फ्राई कर लीजिए और कम से कम 3-5 मिनट का आपको रेस्ट देना है. जब तक गोभी को आप रेस्ट दे रहे हैं तब तक इस वाले तेल को थोड़ा सा और गर्म कर लेना है, लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पर, एकदम हाई फ्लेम पर. गर्म तेल में जब आप रीफ्राई करेंगे गोभी को तो
तो गोभी हमारी एकदम क्रिस्पी हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगी। तो एक बार रेस्ट हो गया, एक बार गर्म हो गया आपका तेल, तो वापस से गोभी को फ्राई करना है हाई फ्लेम पर गर्म तेल के अंदर, इसे फ्लैश फ्राइंग कहा जाता है। इस स्टेज पर भी लगभग एक दो मिनट के लिए आपको गोभी को फिर से फ्राई करना है जब तक कि एकदम क्रिस्प नहीं हो जाती है। एक बार आपकी गोभी एकदम अच्छे से क्रिस्प हो जाए, इसे फिर से निकाल कर छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को निकलने दीजिए। अब गोभी हमारी एकदम क्रिस्प तरीके से तैयार हो गई, और ये गोभी एज इट इज़ भी सेजवान सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खाने में मज़ा आता है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालो, या नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च का एक पाउडर बनाओ मिक्स करके, वो इसके ऊपर डाल दो और हरी चटनी के साथ खाओ, बहुत मज़ा आता है। हल्का सा एक पिंच गरम मसाला भी डाल दोगे अगर बैटर में, तो उसका भी बहुत अच्छा बढ़िया फ्लेवर आता है। लेकिन आज हम वो देसी चाइनीज़ वाला गोभी मंचूरियन बना रहे हैं, तो ध्यान देना है जैसे ही आपने फ्राई की गोभी को, इमिजिएटली आपको सॉस की पूरी तैयारी करके रखनी है, बाजू में सॉस बनानी है और गरम गरम गोभी को ही सॉस में डालना है। इसको अगर आपने 15-20 मिनट ऐसे साइड पर छोड़ दिया, तो फिर बाद में क्या है, जब भी आप सॉस में डालोगे गोभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, सॉगी हो जाएगी। या आप क्या कर सकते हैं, हाफ फ्राई आपने किया, उसके बाद सॉस तैयार की, बाजू में कढ़ाई रखी तैयार तेल की गरम वाली, सेकंड फ्राई किया, निकाल के सॉस में डाली, कोट कर लिया, इस तरीके से आपकी गड़बड़ नहीं होएगी। तो एक टिप दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब मैं सॉस बनाने वाला हूँ, 2 मिनट लगते हैं सॉस बनाने को। सॉस कैसे बनती है वो देख लेते हैं। एक वॉक ले लीजिए और वॉक को अच्छे से एकदम हाई फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। एक बार वॉक गर्म हो जाए तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल ऐड करना है, साथ ही में आधा प्याज चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 से 2 चॉप की हरी मिर्च डालकर हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए आपको लहसुन अदरक को भून लेना है। उसके बाद इसमें आधी कैप्सिकम चॉप करके ऐड कर दीजिए, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियंस का सफ़ेद वाला हिस्सा, आधा टेबल स्पून धनिए की डंटल यानी कि कोरिएंडर स्टेम्स ऐड किए हैं, 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 से 2 हरी मिर्चों की पेस्ट या ग्रीन चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, चुटकी भर सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर और टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक आपको ध्यान से डालना है, सॉसेज में भी नमक होता है। हल्का सा स्टर कर लीजिए, स्टर करने के बाद इसके अंदर आपको पानी डालना है थोड़ा सा कि सॉस बन जाए इसकी, तो लगभग 200-300 ml पानी ऐड कर दीजिए और इस सॉस को एक उबाल पर ले आइए। एक बार सॉस उबाल पर आ जाए तो एक बोल के अंदर आपको कॉर्नस्टार्च स्लरी बनानी है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 4 टेबलस्पून पानी मिलाकर एक स्लरी बना लीजिए, और धीरे धीरे स्लरी को ऐड करके आपको सॉस को थिक कर लेना है जब तक कि सॉस आपकी थिक नहीं हो जाती है। तो अच्छे से ग्रेवी को स्टर कीजिए, आप देख सकते हो स्लरी डालने के बाद सॉस गाढ़ी हो चुकी है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दीजिए और गोभी जो हमने फ्राई की थी वो ऐड कर दीजिए, साथ में ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, ढेर सारे चॉप किए हुए स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और एक चुटकी भर गरम मसाला पाउडर, ही ऑप्शनल है, ये ऐड करके सारी चीज़ों को स्टर कर लीजिए। वो गरम मसाला जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, एक बार डाल कर देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट में। सारी चीज़ें एक बार स्टर कर ली, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो गोभी सॉफ्ट हो जाएगी। ऊपर से फिर से थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कीजिए और ये आप देख सकते हो हमारे गोभी मंचूरियन ड्राई रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। एकदम डिलिशियस बना है गोभी मंचूरियन ड्राई, और एकदम क्रिस्पी भी बनी गोभी, और बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में और झटपट बन जाती है। मेरे फादर को बहुत ज़्यादा पसंद है गोभी मंचूरियन ड्राई, मेरे को याद है जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते थे ये वाली रेसिपी ज़रूर ऑर्डर होती थी, तो आज मैं उनको भी सर्व करने वाला हूँ, आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू लव दिस रेसिपी। तो आप भी ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल गोभी मंचूरियन रेसिपी एट योर होम। Cheers.